मॉर्निंग गाइस, आज तो कमाल ही हो गया। महिंद्रा वालों ने हमें कॉल कर दिया, उम्मीद भी नहीं थी, और बोला है आपके लिए सरप्राइज़ है, आइए। तो आज चलते हैं महिंद्रा, देखते हैं क्या हमारे लिए सरप्राइज़ रखा है उन्होंने। आपने अंदर जो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है वो भी देख ही लिया है, तो परफेक्टली काम कर रहा है। तो वो जो एक्सक्यूजेस थे वो तो फेल हैं कहीं ना कहीं, कंसेप्ट एजेंसी नोएडा वालों के। ग्रेटर नोएडा में हमें वो चैलेंज आया नहीं है उस तरीके का। बाकी इसके अलावा आज हमारा मुद्दा है आपको बताने का कि गाड़ी की माइलेज आज के स्टेज पे है। अभी हमने जैसा आपने देखा मीटर में 508 किलोमीटर है, जिसमें से करीब करीब 70 किलोमीटर गाड़ी हमें करीब 78 मिली थी चली हुई। उसके बाद हमने ये गाड़ी चलाई है और करीब इसमें 8000 रुपये का हमने पेट्रोल डाला है। अभी इसकी जो रेंज है वो भी कहीं ना कहीं हमें 400-450 किलोमीटर की दिखा रही है। तो एवरेज का कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ा है मैंने, आप कर लेना। इसके अलावा जो गाड़ी की आज अभी तक, जैसे मुझे लिए हुए अभी महीना नहीं हुआ है, तो गाड़ी के अंदर अगर जो हम बात करें एवरेज, मतलब होनी नहीं चाहिए इतनी जल्दी, पर यही है कि छोटे मोटे रूटों पे निकलते हैं तो 7-8 किलोमीटर के हिसाब से पर लीटर में दिखाती है एवरेज। बट अभी तक मैक्सिमम की हम बात करें तो ये करीब 12 किलोमीटर पर लीटर तक की भी एवरेज इसने दिखाई। हाउएवर अभी तक मैं कहीं पे भी ऐसी स्पीड पे नहीं गया हूँ जो मुझे 5-10 मिनट भी या 15 मिनट भी मुझे क्रूज लगाने का इसमें मौका मिले। सारा आपको पता है दिल्ली NCR सारा जैम पैक रहता है, तो उसके अंदर आज भी सिचुएशन उसी तरीके की है। बट हाँ, सून मेरा प्लान है थोड़ा सा बाहर निकलने का यमुना एक्सप्रेसवे पे, तो आई एम कीपिंग माय फिंगर क्रॉस कि ये मुझे 14 प्लस एवरेज दे दे, तो ये अपने आप में काफी सफिशिएंट होगा। थैंक यू। फाइनली महिंद्रा आए तो पता चला इन्होंने तो हमारी गाड़ी की RC के लिए हमें बुलाया था, RC आ गई हमारी। हाउएवर ये इनकी तारीफ है कि भाई हमने इन्हें रिमाइंड नहीं कराया, इन्होंने खुद ने हमें बुलाया यहाँ पे।
पर दुख की बात यह है यार, ये भी ऐसा पेज सा दे दिया, वो भी आधा मिसप्रिंट हुआ पड़ा है, अब ये फिर दोबारे मंगानी पड़ेगी। चलो गाइस, आज के लिए इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।